पानी परी कहाँ है बालवीर? पता नहीं ये दोनों बालवीर है कहाँ। हाँ और अभी तो क्रिसमस भी शुरू होने वाली है। अब जब तक सेंटा क्लॉज की पावर्स उनके पास वापस नहीं आ जाती ये होश में नहीं आएंगे। पता नहीं सेंटा है कहाँ। मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि आज दुनिया के सारे बच्चे क्रिसमस मना सकेंगे, इस बात का दुख मनाऊं कि उनके सुपर हीरो उनसे दूर चले गए हैं। आपसे किसने कहा कि हम दूर चले गए? हम कहीं पर नहीं गए हैं सेंटा क्लॉज। हाँ हम तो यही है आपके पास जूनियर और सीनियर बालवीर कॉम्बो पैक। बालवीर माय चिल्ड्रन तुम वापस कैसे आ गए? सेंटा क्लॉज हम क्यों कब और कहां से आए ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी क्रिसमस के तोहफों को बांटने का समय निकलता जा रहा है। हाँ और आपको बच्चों के विशेष वाले गिफ्ट भी तो देना है। हाँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए भी सेट नहीं रहूंगा। चलो बहुत खुश हूँ, अब सब ठीक हो गया और भारत नगर के बच्चों का जो क्रिसमस ट्री जल गया था वो भी अब ठीक हो जाएगा। सैंटा क्लॉज अब आपका वो फेवरेट सॉन्ग गाने का टाइम आ गया है। यस माय चाइल्ड यस। ये तो सांता की हॉर्न पाइप की आवाज है। अब तो मैं डर नहीं लग रहा। कितनी रात हो रही है माँ कितना गुस्सा करेगी। नहीं लग रहा बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे 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 संभाल के। अब मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एम पूरा करने के लिए, बच्चों को गिफ्ट बांटना और उनकी विश पूरी करना। हो। आरोही आरव तुम दोनों ने बहुत क्रेज दिखाई है। थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत? आपको तो पता ही है
कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। बच्चों, अरे किस बात का वेट कर रहे हो, आओ आ जाओ। हम क्यों? अरे समय बहुत कम है, इतने सारे गिफ्ट बांटने हैं। आई नीड हेल्प। नो प्रॉब्लम सांता, हम हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बच्चों को गिफ्ट बांटना उतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चों के मुंह पर स्माइल लाना है। और विवान, थैंक यू क्रिसमस के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने दिया। मेंशन नॉट अरब। मेंशन नॉट, तो फिर मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? एज यू विश। पर बालवीर को थैंक यू बोलना तो बनता है। सराहना तो मुझे करनी चाहिए, तुम दोनों की निडरता और साहस की। जब तक आप हैं, तब तक किसी भी बच्चे को किसी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सीनियर और जूनियर बालवीर। बच्चों, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सांता। बच्चों, अब सूर्योदय का समय हो चुका है, अब तो तुम दोनों को अपने घर जाना चाहिए। वैसे तो मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ से ज्यादा देर दूर भी तो नहीं रह सकते ना। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय बच्चों। बाय बाय। माँ, आपने इन बच्चों को यहाँ से भेजने से पहले उनकी याददाश्त मिटा दी थी ना? हाँ, वरना कल दोपहर तक तो आरोही के मुंह से पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो सांता क्लॉज के साथ थी और नॉर्थ पोल टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। चिंता मत करो बालवीर, जब दोनों नींद से जागेंगे तब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये रहा तुम दोनों का गेम। थैंक यू सांता क्लॉज। धन्यवाद सांता। वैसे सांता क्लॉज, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हो, तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। अरे डुबड़ बो, मुझे गिफ्ट? लेकिन मैं तो बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारा दिल तो बच्चों जैसा है। तो अगली मीटिंग होगी नेक्स्ट क्रिसमस। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। भैया, आखिरकार हमें क्रिसमस की छुट्टी मिली ही नहीं। लेकिन विवान, हमें क्रिसमस की छुट्टी नहीं मिली, लेकिन क्रिसमस का मजा तो मिल गया। वो तो है भैया, मजा बहुत आया, लेकिन थकान की वजह से मेरी एनर्जी पंचर हो चुकी है। अब तो मैं पूरे दो दिन सोऊंगा। विवान, तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारा काम देखकर आज मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। आज तुमने पूरे दुनिया के हर बच्चे की दिल को टूटने से बचा लिया, बहुत अच्छे। थैंक यू भैया,
बट इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट आपको भी चाहता है, क्योंकि आप सिर्फ मेरे फ्रेंड और मेरे भैया ही नहीं हो, आप मेरे गुरु भी हो। वैसे भैया, अब तो मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं बिना शक्तियों के भी कई सारे एडवेंचर्स को चुटकियों में निपटा सकता हूँ। ओ, फिर तो मैं शौर्य और बालपरी से बात करता हूँ और वो तुम्हारी शक्तियां वापस ले लेंगे। अब इतने अनुभवी जो हो चुके हो तो, है ना? ओके भैया, गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस। गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस जूनियर। भैया फिर से वो आरोह भी मुझे जूनियर ही बोल रही थी। ठीक है, मैं उसे बुलाने देता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझे जूनियर बोल सकते हो लेकिन वो नहीं। ठीक है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। इस बार सांता क्लॉज ने सिर्फ मेरे लिए नहीं मम्मी के लिए भी गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सांता क्लॉज, थैंक यू बालवीर। चिंटी, क्या तुझे भी वही सपना आ रहा है जो मुझे आ रहा है? भैया, जो आपको सपना आ रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो सपना आ रहा है वो एकदम बड़े से बर्गर की टेस्टी स्मेल्स आ रही है। हाँ, देख काम कर, वो मेरे लिए ले आना। ये मुर्गा, तो सुबह सुबह उठ के बांग लगाऊंगी। चिंटू भैया, हमारी क्रिसमस गिफ्ट। अरे वाह, मेरे विंटर बियर्ड। थैंक यू सेंटा, थैंक यू सो मच। मम्मी जल्दी नीचे आइए। अरे अरे खुशी, क्या बात है, क्या हुआ? मम्मी ये देखिए, आटा गूंदने वाली मशीन जो मैंने सेंटा से मांगी थी आपके लिए, अब आपके हाथ बिल्कुल दर्द नहीं होंगे। ये लीजिए। ओ, ये तो बहुत अच्छी है। और माँ, मैंने आपके लिए ये ओवन मांगा था। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। बहुत अच्छा है ये। और माँ, मैंने आपके लिए सेंटा से मंगाई थी ये साड़ी। लीजिए लीजिए। अरे बस भी करो, अब तुम लोग रुलाओगे क्या मुझे? बहुत अच्छी है सब गिफ्ट्स। हाँ, तो इसीलिए हम तीनों की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। तुम लोगों को भी मैरी क्रिसमस। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर संता किधर है, दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो तो माँ गए, अपने गांव गए, आराम से पहुंच गए वो। अच्छा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो। आ गए आ गए। ये देखो मेरा क्रिसमस गिफ्ट। ये देख टिंकू, और मेरा टेडी बेयर। ये देखो मेरी डॉल। वाओ, सांता क्लॉज ने सबको गिफ्ट दिया और मुझे नहीं। मोंडो भैया, उसके लिए आपको बाकी बच्चों को तंग करना बंद करना होगा। कर पाओगे? तो फिर अपने पीछे देखिए। थैंक यू सांता क्लॉज, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं साल के कोई भी एक दिन कोई भी प्रैंक नहीं करूंगा। सिर्फ एक दिन के लिए? हाँ, सांता क्लॉज ने गिफ्ट भी एक ही दिन दिया है ना। We wish you all a merry Christmas! बहुत खूब, तुम दोनों ने सांता क्लॉज की मदद करके संसार के सभी बच्चों के चेहरों पर क्रिसमस पर्व की खुशियां बिखेरी हैं। यह वर्ष पूरे संसार के लिए कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था,
आशा करता हूं इस वर्ष के अंत में ऐसा कुछ ना हो और आने वाला वर्ष खुशमय हो। हाँ शौर्य, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष का अंत भी सुखमय होगा और आने वाला वर्ष भी खुशियों से भरा होगा। हाँ, और मैं भी यही प्रे करूंगा कि अगला साल हम सबके लिए हैप्पी हो और सीनियर और जूनियर बलवीर की लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। मुंबई तो समुद्र के पास बसा हुआ शहर है, कहीं समुद्र में कोई भूकंप तो नहीं है जिसकी वजह से मुंबई में कोई खतरा आने वाला। मुझे भारत नगर के सभी लोगों को सतर्क करना होगा। अच्छा खुशी दीदी, ध्वनि ये सब रेडी हो जाए ना तो फिर स्टेज पे रख देना। ओके, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। विवान, विभू भैया, तो भैया विवान, अब भैया आई नो आप यही कहने वाले हो ना कि आप भी मेरी तरह ईयर 2021 को वेलकम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना? विवान तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर झटके नहीं महसूस हुए। क्या हुआ भैया, किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं विवान, मैं तो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया इस बार कितना एक्साइटेड है 2020 को बाय बाय और 2021 को वेलकम करने के लिए। तो भैया इसीलिए हमने एक स्पेशल डीजे सेटअप मंगवाया है, तो आज तुम जमकर पार्टी करेंगे। वाह वाह, वेरी गुड, जाओ। अरे क्रिसमस में इतने तनाव के बाद विवान को थोड़ा आराम और मजा मिलना चाहिए, इसलिए मुझे खुद ही इन झटकों के बारे में पता लगाना होगा। मोटा हाथी बोल रहा था तू, मोटा हाथी, हाथी तो मोटा ही होता है ना रिंकू। आज तू नहीं बचेगा रिंकू, और जो भी आगे आएगा वो भी नहीं बचेगा। रिंकू को छोड़ दो वरना याद रखना यूपी के वासी होते हैं बड़े सासी। माना कि तुम यूपी वाले हो लेकिन ये मत भूलो कि ये मुंबई है। अरे रुको 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 रुको, अरे इसको नीचे उतार दो। अरे डियर चिंटू, क्या सीन है मेरे भाई, तूने रिंकू को क्यों पकड़ा है? प्लीज इसे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। अच्छा कर लूं? हाँ कर ले, लेकिन गुदगुदी छोड़ के। तू ठीक तो है ना? वैसे आरोही, ये दोनों झगड़ा किस बात पे कर रहे थे? मुझे क्या पता, मैं तो अपने दोस्त को देख के कूद पड़ी फाइट में। दैट इज सो यू। अच्छा खुशी दीदी, हाँ बताइए ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे? विवान, किसी भी फंक्शन या फिर पार्टी में तेरा परफॉर्मेंस हमेशा लास्ट में होता है क्योंकि तू भारतनगर का सबसे बेस्ट डांसर है। रियली विवान? यस, भारतनगर के पेड़ पत्ते भी जानते हैं कि नोबडी कैन ग्रुप लाइक विवान। लेकिन विवान, चिंटू चिंटी कह रहे थे इस बार तुम लास्ट डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आउच। क्यों चिंटू, तुम मुझे डांस चैलेंज देने वाले हो क्या? भैया चैलेंज नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हें चैलेंज ये देगी।
ये है हमारी कजन जिया और न्यू ईयर पार्टी में लास्ट परफॉर्मेंस जिया का ही होगा। बोला था ना लास्ट डांस परफॉर्मेंस उसी का होता जो भारत नगर का स्टार डांसर होता है। तो चलो डिसाइड कर लेते कि भारत नगर का स्टार डांसर कौन है। कैसे? मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगी और अगर तुम वो चैलेंज जीते तो लास्ट परफॉर्मेंस तुम्हारी, और अगर मैं जीती तो लास्ट परफॉर्मेंस। आई एक्सेप्ट। विवान पहले चैलेंज तो पूछ लो। खुद तो बिना पूछे फाइट पे जम कर जाती हूँ और मुझे चैलेंज पूछने को कह रही हो। अच्छा ठीक है बताओ चैलेंज क्या है। मैं इस हैट के साथ डांस करूंगी और म्यूजिक खत्म होने से पहले अगर तुम ये हैट मुझसे ले सके then you will win, और अगर नहीं ले पाए तो तुम लूजर और हम विनर। सो क्या बोलते हो? Bring it on. So, let's start. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.